आदरणीय स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। रामानंद सागर रामायण में जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी चौपाइयां गाई है, उन्हीं का ये भजन उस समय का है। जब हनुमान जी महाराज सीता माता की खोज करने के लिए अशोक वाटिका में गए और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष में छिप करके सीता माता को संपूर्ण राम कहानी सुनाई। कोशिश करूंगा आप इस आवाज को पहचाने, पहचान जाओ तो एक बार ताली बजा देना, अभी नहीं पहचान जाओ तो अभी बोलिए हनुमान जी महाराज की। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु आया गुण गोपाल गोपर। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनत आवे अखियों में पवनी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय ना तो राम का है ना ही कृष्ण का है, ना ये युग राम का है ना ही ये युग कृष्ण का है। दोनों ने मिलकर के अपने अपने भक्तों को आदेश दिया इस कलयुग में। राम ने हनुमान जी महाराज को भेजा और कृष्ण ने अपने भक्त को खाटू नरेश श्री श्याम को भेजा। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले खाटू नरेश की जय हो। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ की आंख दुलारे कौशल्या की आंख के तारे, सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। I'm
होगा शायद तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आया क्या समझ में आया? रामायण देखिए, आवाज मैच करती है, भजन सुना हो गए हैं, सभी बोलिए एक बार, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आगे शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए प्रभु श्री राम ने अपने संपूर्ण वानर सेना को सीता माता की खोज का आदेश दिया। वही वानर रूप प्रभु श्री हनुमान जी महाराज अपना बल भूले हुए थे, उन्हें उनका बल याद दिलाकर के जामवंत जी ने कहा कि उठो हनुमान और प्रभु का काज पूर्ण करो। हनुमान जी महाराज ने जयकार लगाई श्री राम की और वहां से चल पड़े, और जाते जाते अपने सभी वानर मित्रों को कहते हुए चले गए क्या कि जब तक न मैं लौटू यहां दूध लेके सीता माता की फल फूल खा रहे समुद्र के बीचों बीच स्थित जहां देवताओं के द्वारा उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक आपदा को भेजा गया था। बीच में सुरसा मिली, बजरंग बाण में भी पढ़ा होगा सुरसा बदन बैठी विस्तारा, पढ़ा है ना, पढ़ते हो बजरंग बाण हनुमान चालीसा? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। सुरसा नामक आपदा से मुलाकात हुई और उस सुरसा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी महाराज ने ऐसा वचन देने लगे, क्या कहने लगे हैं के राम काज करी के इधर से मैं लौटूंगा तो स्वयं बनूंगा तेरे भोजन का।
सुरसन उससे गुणित किया विस्तार कपि तन का तेरा कार्यक्रम ये तो था बनाया सूर्य करने का का आशीर्वाद पाकर के हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में आ पहुंचे और अशोक वाटिका में आकर के सीता माता को संदेश सुनाया कहने लगे के रघुवर ने मोहे पठायो मैं दूत बन आयो है किसी को हनुमान जी महाराज क्या लेकर के गए कि सीता माता के लिए पहचान के लिए और संग लाया रे और संग लाया प्रभु मुद्री का निशानी राम कहानी सुनो रे अब कहानी सुनो श्री राम कहानी तो राम ही राम पुकारू श्री राम नहीं मेरी सुधली नी मैं कब से राम निहारू राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारू श्री राम नहीं मोरी सुधली नी मैं कब से राम निहारू राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारू राम नहीं मोरी सुधली नी मैं कब से राम निहारू राम जय राम श्री राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारू हनुमान जी महाराज की जय।